दोस्तों, जापान हमेशा से टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहा है और इसीलिए वहाँ रोजाना कोई ना कोई आविष्कार होता रहता है। पर जापानियों ने कुछ ऐसे भी आविष्कार कर डाले हैं जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज मैं आपको जापान के ऐसे ही आविष्कार दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गो टॉयलेट। दोस्तों, लड़कियों को या महिलाओं को पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। दोस्तों, जापान में महिलाओं के लिए एक ऐसे डिवाइस को बनाया गया है जिससे लड़कियां खड़े खड़े ही आसानी से टॉयलेट या पेशाब कर सकती हैं। दोस्तों, इस डिवाइस को यूरोपियन और अमेरिकन जैसे देशों की बहुत सी विदेशी लड़कियां तेजी से अपना भी रही हैं। ये अलग अलग मटेरियल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनमें से बहुत सी एक बार में इस्तेमाल करने वाली और कुछ बार बार इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों, ये डिवाइस भारत में भी उपलब्ध है जिसकी कीमत 250 रुपए है और इसके एक पैकेट में 20 पीसेस निकलते हैं। पांडा टी। दोस्तों, क्या आपने कभी पांडा टी का नाम सुना है? क्या आप कभी जापान गए हैं? दोस्तों, अगर आपको कभी जापान जाने का मौका मिले और आपसे वहाँ कोई ये बोले कि भाई पांडा टी पी लीजिए, तो दोस्तों आप उसे बिल्कुल साफ मना कर देना। दोस्तों, पांडा टी जापान और चाइना में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे बनाया जाता है पांडा की टट्टी से। दोस्तों, जापान के लोगों को कुछ न कुछ नया करना होता है। दोस्तों, अब यहाँ के लोग पांडा टी पीने लगे हैं जो पांडा की पॉटी से बनती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है जो पांडा टी पीता है वो फिट रहता है। दोस्तों, पांडा की पॉटी से बनी चाय की कीमत आपको और भी चौंका देगी क्योंकि 50 ग्राम पांडा टी वहाँ मिलती है 2,26,431 रुपए की और एक कप पांडा टी की रेस्टोरेंट में कीमत 15,000 रुपए है। चॉपस्टिक फैन। दोस्तों, दुनिया भर में खाए जाने वाले नूडल्स की बहुत बड़ी मात्रा जापान में रहने वाले लोग भी खाते हैं। नूडल्स खाने में कोई बुरी बात नहीं, पर दोस्तों, जापानीज इतने ज्यादा समय बचाने वाले होते हैं कि जिस चॉपस्टिक से नूडल्स ये लोग खाते हैं उसी में इन्होंने फैन लगा लिया जिससे अब मुंह से फूंक मारकर नूडल्स ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही नूडल्स चॉपस्टिक में उठाते हैं वैसे ही फैन की हवा उन्हें मुंह के अंदर जाने से पहले ही ठंडा कर देती है। दोस्तों, जापान की ये इन्वेंशन आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगी। रोबोट शॉप। दोस्तों, जापान में आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी जिनमें आपको इंसान नहीं दिखेंगे बल्कि सामान बेचते हुए रोबोट्स मिलेंगे। इन रोबोट्स को रेस्टोरेंट्स में वेटरों का काम भी मिलता है। इसी कारण जापान में दोस्तों बेरोजगारी में बढ़ोतरी भी हो रही है। जापान के इन रोबोट्स की मांग अब दुनिया भर के व्यापारी भी कर रहे हैं। कोई इन्हें घर के कामों के लिए नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो कोई सिक्योरिटी के लिए। बेबी मॉप। दोस्तों, मॉप बोलते हैं पोछे को। दोस्तों, जापान के लोगों ने हद ही कर दी है और इस बात को आप इस बेबी मॉप सूट को देखकर समझ सकते हैं। बच्चे बिना रुके पूरे घर में खेलते हैं, इसीलिए जापानियों ने बच्चों के कपड़ों पर ही पोछे के ब्रश लगा दिए और इन कपड़ों को बेबी मॉप सूट नाम दे दिया। बच्चे खेलते खेलते पूरा फर्श भी साफ कर देते हैं और उन्हें चोट भी नहीं लगती। जब सूट गंदा हो जाता है तब इन्हें उतारकर वॉशिंग मशीन में धो देते हैं। इस तरह से फर्श सफाई का काम भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने पहले ऐसा कभी सुना या देखा है? वेंडिंग मशीन ड्रेस। आया टी सुकी ओका नाम की जापानीज महिला ने कोक वेंडिंग ड्रेस मशीन बनाई है ताकि महिलाएं टोक्यो जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। अगर किसी महिला को लगे कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो वह इस बैग को खोलकर उसमें छिप सकती है वेंडिंग मशीन के साथ। यह बैग बिल्कुल किसी वेंडिंग मशीन की तरह दिखाई देता है। साथ ही महिलाएं चाहे तो इसमें अपने कपड़े भी बदल सकती हैं सड़क किनारे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, जापान ऐसे ही इन्वेंशन करता रहता है। दोस्तों, अगर आपको जापान की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।